अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। दोस्तों काफ़ी दिन बाद वीडियो डाल रहे हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यार ये मोबाइल से ही छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं। जो Xeon 3rd जनरेशन की मशीनें मेरे पास आई है, Xeon 3rd जनरेशन के ऊपर न्यू गेम्स जो है वो बिल्कुल कंपेटेबल हैं, और उनमें से जो डिमांडिंग गेम थे काफ़ी डिमांड आ रहा था, तो मैंने 4GB ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर कुछ बेंचमार्क बनाए, क्योंकि बेंचमार्क मैं डालता नहीं हूँ, काम का बड़ा प्रेशर था अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर से बड़ी मशीनें और अब तो लाख से ऊपर की भी मशीनें रेडी करना शुरू कर दिए, क्योंकि यार काफ़ी लोगों के बजट जो है वो हाई हो रहे थे। तो अभी जो मशीनें बनाई है वो 38 वाली मशीन, 38 से लेकर 47 की दो मशीनों के ऊपर, लेकिन अभी जो रिव्यू मैं दे रहा हूँ आपको वो दे रहा हूँ 46 वाली मशीन है, 46,000 वाली, 4GB का ग्राफिक कार्ड है, Xeon 3rd जनरेशन है, और उसके ऊपर GTA 5, Forza Horizon 4 और WWE 2K22 का गेम प्ले बनाया है, बेंचमार्क बनाया है, और आपको चेक करा रहा हूँ, FPS चेक करा रहा हूँ, 50 से ऊपर ईजिली चल रहे मशीन, 38 से लेकर 46 तक है। अभी वाला जो गेम प्ले दे रहा हूँ वो 46 वाली मशीन का दे रहा हूँ। 6 मशीनें रेडी हो सकती है, जिसे चाहिए ऑर्डर कर सकता है ये वीडियो देखने के बाद। Here we go, guys. Hell in a Cell. Only way you win is by pinfall or submission. Nowhere to escape. The cell designed to torture, designed to contain, and truly nowhere to run. Oh, right in there. A roundhouse kick. What for? That makes a Hell in a Cell. Shoulders down on the count. Two. He kicks out before three. I really thought he was going to get shoulder. This is pretty cocky. The foot press. Look good as being in control if you can't enjoy it. Fishing for something beneath the ring. And he's going with the great equalizer here, the steel chair. Look at the holes to the end of the table. Vicious, aggressive attacks. Hoist it up.